नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के बारे में, क्या रीजंस था जो स्टॉक मार्केट आज क्रैश हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट के जो क्रैश होने का रीजन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा जीरोधा में चार्ट, हमने निफ्टी 50 का ओपन किया है। तो दोस्तों अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो जरूर ओपन कर लीजिए। जीरोधा नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस है जहाँ पर आपको डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लगता और आप इंट्राडे करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पर ट्रेड चार्ज लगेगा। तो दोस्तों निफ्टी 50 में आप यहां पर देख रहे हैं जो मार्केट हमारा लो बनाया था पैंडमिक के कारण 7500 का, वहां से मार्केट यहां पर चला। पहले तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आया लेकिन यहां पर जो मार्केट हमारा अक्टूबर में रैली पकड़ा, अक्टूबर में रैली पकड़ने के बाद थोड़ा सा मतलब जो कहें नवंबर के शुरुआत में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, मतलब अक्टूबर के लास्ट और नवंबर की शुरुआत में, नवंबर के शुरुआत से जो रैली पकड़ा यहां पर देख सकते हैं कि वन साइडेड जो है मार्केट हमारा 11600 से चला और डायरेक्ट पहुंच गया हमारा यहां पर 13,785 तक। तो दोस्तों 2000 पॉइंट से भी अधिक का रैली निफ्टी में आया था और उसके बाद थोड़ा बहुत तो करेक्शन यहां पर आना ही था। सिर्फ यहां पर देखें एक ही रेड कैंडल बीच में बनाया था निफ्टी ने और वहां से ये जो करेक्शन आया, तो जो करेक्शन आया वो एक ही दिन में आ गया। यहां पर जो करेक्शन आया उसमें पीछे कई सारी न्यूज है, साथ साथ कहें कि जो इतना बड़ा रैली आया तो प्रॉफिट बुकिंग यहां पर हुआ, तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा सा करेक्शन आया, तो साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग हुआ उसके कारण करेक्शन। और यहां पर जो हमारा न्यूज आया है उस न्यूज के बारे में डिस्कस करें जिसके कारण आज स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट देखने मिला। तो ये देख सकते हैं निफ्टी हमारा अपने ऑल टाइम हाई से काफी ऊपर जा चुका था और थोड़ा सा यहां पर आपको करेक्शन देखने मिला। तो यहां पर जो सपोर्ट बनता है और यहां पर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को यहां पर टच अभी नहीं किया है। अगर ये यहां पर ट्रेंड लाइन को टच करता है, साथ ही साथ बोले यहां पर जो पहले सपोर्ट ले रहा था, पहले जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब सपोर्ट का काम करेगा, तो वो है 12,800 या कह मतलब एक रेंज है 12,500-12,600 से ऊपर से लेकर के आप 800 तक देखते हैं, ये रेंज है जहां पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। मतलब 500 से ऊपर जो है 800 तक में, यहां 12,500 से लेकर के 800 तक के बीच में यहां पर निफ्टी में अगर कोई बड़ा करेक्शन आता है तो यहां पर सपोर्ट एक बार ले सकता है। साथ साथ यहां पर ये ट्रेंड लाइन को भी टच कर लेगा 12,700 के आसपास, ये जो ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था जहां पर यहां पर एक बीच में गिरावट आया था तो यहां पर ये सपोर्ट लिया था। साथ साथ अगर आप इस ट्रेंड लाइन को पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहां से आपका जो ऑल टाइम लो है, मतलब यहां पर जो लो बनाया था हमारे इस साल का 7,500, उसे भी ये ट्रेंड लाइन टच करेगा। तो इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से निफ्टी 50 फॉलो कर रहा है, तो देखते हैं मार्केट कहां सपोर्ट लेता है गिरावट के बाद। ऐसे जो अभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है, क्योंकि जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता निफ्टी तब तक हम जो है वो बियरिक्स ट्रेंड नहीं कह सकते हैं। अभी जो हम मुख्य रूप से ट्रेंड बोलेंगे वो अप ट्रेंड ही है, कि निफ्टी हमारा अप ट्रेंड में है, मार्केट काफ़ी बुलिश है। तो रीजन में बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर जो नया रीजन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना जा रहा है कि न्यू और फास्ट ट्रांसमिटिंग स्ट्रेन पाया गया है यूके में, और जो इसके कारण कहे तो सारे फ्लाइट्स जो है यूके से जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज आता है और जो इंडिया आता है वो सारा बैन कर दिया गया है। इस न्यूज़ के कारण भी मार्केट में गिरावट आया है। साथ साथ कहे जो यूएस कांग्रेस एग्रीमेंट है, इतना बिलियन डॉलर का जो फिजिकल एस्टिमुलेशन है वो अभी बाकी है आना, तो ये सारे कारण से है जिसके कारण आज मार्केट में गिरावट आया। कि जो यूके है उसमें कोरोना वायरस के न्यू मतलब फॉर्म पाए गए हैं, जो ट्रांसमिटिंग स्ट्रेन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब 75% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है कोरोना वायरस से भी ज़्यादा, तो इस ट्रांसमिटिंग स्ट्रेन को रोकने के लिए भी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। साथ साथ जो स्टिमुलस पैकेज है यूएस मार्केट का, उसके कारण अभी आना बाकी है स्टिमुलस पैकेज, इसके कारण जो है मार्केट में गिरावट देखने मिला है। और यहां पर देखते हैं मोर डिस्ट्रिक्शन, कोविड-19 स्ट्रेन को रोकने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ब्रेक्जिट टॉक्स लाइकली टू फेल, और जो ब्रेक्जिट टॉक्स है वो भी फेल हो चुका है। तो ये सारे कारण है जिसके कारण निफ्टी में गिरावट आया। तो और सारे जानते हैं जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट का भी इफेक्ट पड़ा है जिसके कारण मार्केट में दोपहर बाद आपने देखा काफी तेज गिरावट आया और फिर वहां से मार्केट थोड़ा सा रिकवर भी कर लिया। यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले यूएस मार्केट पूरी तरह से क्लोज है, मार्केट खुलेगा अभी मतलब कुछ टाइम कुछ घंटे बाद मार्केट क्लोज होगा, तो आपको हम अपडेट बताएंगे भी कि यूएस मार्केट क्या हुआ, तो चैनल पर बने रहिएगा। नीचे चलते हैं, जो ग्लोबल मार्केट में ज्यादा ओपन हुआ निगेटिव में वो है हमारा यूरोपियन मार्केट। यहाँ पर डेक्स देख सकते हैं, जर्मनी का जो इंडेक्स है 3.21%
डाउन है। वहीं FTSE देखते हैं जो UK मार्केट है वो 2.64% डाउन है। CAC जो फ्रांस का CAC है वो आप देख सकते हैं 3.08% डाउन है। यूरो स्टॉक्स ये डाउन है 3.26%। तो यूरोपियन मार्केट पूरी तरह से डाउन चल रहा है। उसी तरह से आप और सारे जो आप देख सकते हैं सारे के सारे जो यहां पर देख सकते हैं कि सारे के सारे मार्केट यहां पर आपको रेड में दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे ग्लोबल मार्केट जो है रेड में है, लेकिन यहां पर बात करें हम चाइनीज मार्केट का, तो जो चाइना का मार्केट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चाइना का मार्केट क्या है, चाइना के मार्केट पर क्या इफेक्ट है, तो नीचे चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं संघाई चाइना, यहाँ पर देखते हैं चाइनीज इतना संघाई, ये सारे के सारे मार्केट जो पॉजिटिव दिख रहे हैं ये चाइनीज मार्केट है। ये देख सकते हैं चार इंडेक्स, तो चाइना के मार्केट पर कुछ खास प्रभाव नहीं है। वही आप और सारे निक्की जापान का मार्केट ये देखते हैं 0.18% डाउन है। तो लगभग सारे के सारे जो ग्लोबल मार्केट है चाइना को छोड़ करके सब के सब क्या है डाउन चल रहे हैं। वही बोस्पा जो ब्राजील का इंडेक्स है बोस्पा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोस्पा भी लगभग न्यूट्रल यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन -4.54 पॉइंट ये भी देख सकते हैं रेड में है। तो सारे के सारे ग्लोबल मार्केट जो है वो लगभग नेगेटिव है, इसी कारण हमारे मार्केट में भी दोपहर बाद काफी तेज गिरावट देखने मिला। आज जो हमारे स्टॉक मार्केट में गिरावट आया उसमें से देखते हैं कि 50 के 50 स्टॉक्स जो है वो निगेटिव में है। तो ये भी कारण है कि सारे स्टॉक में जब गिरावट आया तो निफ्टी में करेक्शन आना ही है, मतलब स्टॉक मार्केट में करेक्शन तो आएगा ही। 50 स्टॉक्स है हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में, और इसी में से जो टॉप 30 स्टॉक्स है हमारे मार्केट के वो है सेंसेक्स में। तो इसलिए सेंसेक्स में और निफ्टी में आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिला, क्योंकि जो 50 के 50 स्टॉक्स है सबके सब रेड में है। जनरली आप देखते होंगे कि कुछ स्टॉक पॉजिटिव में रहते हैं, कुछ स्टॉक निगेटिव में रहते हैं, कुछ स्टॉक अप ट्रेंड में, कुछ डाउन ट्रेंड में, लेकिन आज सारे के सारे स्टॉक जो है देखते हैं रेड में है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। इसलिए मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आपको आज देखने मिला। तो ओवरऑल हम आगे भी ऑब्जर्व करेंगे US मार्केट में क्या होता है, फिर कल मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे क्या मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहता है, मतलब जो करेक्शन है वो कंटिन्यू होता है, या यहाँ से मार्केट फिर से रिकवर होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चाहे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।